देखिए लास्ट लेक्चर हम लोगों ने वेक्टर एडिशन और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स देखा था, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था सिर्फ, जिसमें एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जो है वो फोर्स मेथड पे बेस्ड है, मतलब ऐसे समझो कि दो बॉडी के ऊपर, एक बॉडी के ऊपर दो फोर्सेज लग रहे हैं एक साथ, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। अब अगर दो फोर्स लग रहे हैं तो बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स किधर आएगा, तो हम लोग कहेंगे भाई बीच में कहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो मेथड है ये बेस्ड है फ्रॉम फोर्स एनालिसिस। और ये है दूसरा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो बेस्ड है वो है डिस्प्लेसमेंट मेथड पे, मतलब ये कि एक आदमी पहले इस डायरेक्शन में गया ए यूनिट डिस्टेंस, फिर इधर गया बी यूनिट डिस्टेंस, तो व्हाट इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये वाला वेक्टर बनेगा। डायग्राम भले ही दोनों में देखने में अलग हो, मेथड दोनों के भले ही देखने में अलग हो, लेकिन बेसिकली दोनों सेम है, दोनों का कैलकुलेशन, दोनों की सारी बातें ऑलमोस्ट सेम है। तो इसमें मैंने नोट में पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट है तो, ठीक है। और इसमें ये लास्ट वाला पॉइंट कि अगर तीनों वेक्टर्स, मतलब ए वेक्टर, बी वेक्टर और आर वेक्टर, तीनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो वो पैरेललोग्राम जो है वो एक रोम्बस बनेगा। ध्यान से देखो किस तरह का बनेगा, और उसमें जो आर आएगा ए और बी के बीच में एंगल 120 डिग्री बनेगा, मतलब 120 डिग्री पे अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं, इंक्लाइंड है, तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 में, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में देखना, मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इनका जो रिजल्टेंट है, इनका रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर है आर वेक्टर। तो अगर हम एज्यूम करें कि ये जो आर वेक्टर है ये ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और बी के साथ बीटा एंगल बना रहा है, ए के साथ अल्फा एंगल है और बी के साथ बीटा एंगल है, तो ध्यान से जरा देखना ज्योमेट्री से, क्या ये वाला एंगल भी बीटा होगा, बनेगा ना। तो ये जो ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल देखना ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हम लोग साइन रूल अगर अप्लाई करें, साइन रूल मालूम है ना सभी को, क्यों भाई, तो साइन रूल के हिसाब से ये वाला हाई डिस्टेंस बी है, ये वाला डिस्टेंस आर है, हम लोग लिखेंगे यहां से ए अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू आर अपॉन, अब आर अपॉन लिखेंगे तो ये वाला एंगल होगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो साइन में जब 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ये साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, देखो। तो ये एक रिलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा यहां से हम ये बोल सकते हैं कि अगर ए की वैल्यू, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए अगर ग्रेटर देन बी होगी तो बीटा ग्रेटर देन अल्फा होगा, और अगर बी ग्रेटर देन ए होगा तो देन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो ये दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे, कहने का मतलब है कि रिजल्टेंट का जो एंगल है, रिजल्टेंट का एंगल किस वेक्टर से कम बनेगा और किस वेक्टर से ज्यादा बनेगा, तो जो बड़ा वेक्टर होगा रिजल्टेंट उसकी तरफ इंक्लाइंड होगा, तो रिजल्टेंट अगर बड़े वेक्टर की तरफ इंक्लाइंड होगा तो ये वाला एंगल छोटा होगा, अगर ए बड़ा है बी से तो अल्फा बीटा से छोटा है, क्लियर भी यही बात। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 6 में लिखेंगे व्हेन रिजल्टेंट आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। सपोज ऐसी कोई सिचुएशन है कि जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो देखो रिजल्टेंट अगर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो ध्यान से देखो ऊपर जो एंगल बनाया हुआ है हम लोगों ने, रिजल्टेंट और ए वेक्टर,
कि बीच में कौन सा एंगल है, तो ये वाला एंगल अल्फा है, तो अगर ये रिजल्टेंट ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब होगा कि अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, तो नीचे हम लोग लिखेंगे दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और हमारे पास एक फॉर्मूला है अल्फा का यूजिंग टैन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं टैन 90, और देखो टैन 90 कितना होता है, टैन 90 वैसे तो इन्फिनिटी बोलते हैं, बट क्या उसको हम 1/0 लिख सकते हैं, बोलो। और 1/0 लिखेंगे अगर, और इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलेगा ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ ए अपॉन बी, यानी दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो ये वाला रिलेशन फॉलो करेगा। और दूसरा हमारे पास ये है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ये cos थीटा उठा के यहाँ रखो, क्या आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का मतलब होगा माइनस ए अपॉन बी। तो देखो यहाँ से क्या बचेगा, तो यहाँ से तुम्हें r की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट ऑफ, क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। तो ये दूसरी बात ध्यान रखनी है, देखो पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। अब देखो जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में हम लोग दो वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में हमें उनको हेड टू टेल ज्वाइन करना होता है। तो उसी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को अगर हम एक्सटेंड करें मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करने में, मतलब मोर देन टू वेक्टर्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखना ये क्या है पॉलीगॉन लॉ, तो पॉलीगॉन लॉ ऐसे है, अगर मान लो हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है, इसमें हमको ऐड करना है बी वेक्टर, और इसमें हमको ऐड करना है सी वेक्टर, तीन वेक्टर्स ऐड करने हैं। तो देखो तीन वेक्टर्स ऐड करने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन वेक्टर्स को वन बाय वन हेड टू टेल ज्वाइन करते जाएंगे। मतलब कैसे, जैसे ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर के हेड से ज्वाइन करेंगे बी वेक्टर, मतलब ये हो गया ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर के हेड से बना दिया हमने बी वेक्टर, और बी वेक्टर के हेड से बना देंगे हम लोग सी वेक्टर, देखो, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का मतलब होगा ये वाला वेक्टर जो a के टेल से शुरू होगा और c के हेड तक जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ठीक है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बताओ क्लियर है या नहीं। तो इससे हम दो भी ऐड कर सकते हैं, तीन भी ऐड कर सकते हैं, तीन चार जितने भी, ठीक है ना। तरीका ये कि ज्वाइन दी वेक्टर्स हेड टू टेल
एंड फाइनल रिजल्टेंट इज वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर to the head of final vector या बोल सकते हैं last vector. इसमें हमको जैसे एक छोटा सा example करके देखते हैं. For example, अगर हमारे पास कई सारे vectors दिए हुए हैं, suppose इस तरह से ये दिया हुआ है वेक्टर ए, ये दिया हुआ है वेक्टर बी, इधर की तरफ दिया है वेक्टर सी, इधर की तरफ दिया है वेक्टर डी, इधर की तरफ दिया है वेक्टर ई, और इधर की तरफ दिया हुआ है वेक्टर एफ. और हमसे कहा जाए कि ये जो वेक्टर्स हैं ये इस तरह से एक पॉलीगॉन बना रहे हैं, तो इनमें रिलेशन क्या होगा बता सकते हो? Find relation among the vectors shown. इन छह वेक्टर्स में क्या रिलेशन बनेगा, मैथमेटिकल रिलेशन क्या बनेगा, निकाल सकते हैं बताइए. कई सारे वेक्टर्स हैं जो ज्वाइन होके पॉलीगॉन बना रहे हैं. निकाला किसी ने? देखो इसको एक तरीका तो ये है, जैसे ये ऊपर हम लोगों ने जो पॉलीगॉन लॉ लिखा है इसको ध्यान से देखो, ऊपर जो हम लोगों ने पॉलीगॉन लॉ बनाया हुआ है इसको ध्यान से देखो तुम. इसमें तो देखो, इसमें अगर हम लोग ऐसा करें कि एक पॉइंट से चल के और घूम के वापस उसी पॉइंट पे आए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि नेट रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए. जिधर से गए वहीं घूम के आ रहे हैं तो नेट जीरो होना चाहिए. अब अगर वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस लिखेंगे, वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस लिखेंगे, वेक्टर की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस लिखेंगे, लेकिन इधर से इधर आ रहे हैं तो वेक्टर के अपोजिट आ रहे हैं तो इसको माइनस आर लिखेंगे. यानी कि प्लस ए, प्लस बी, प्लस सी और माइनस आर, ये मिला के टोटल जीरो होना चाहिए. तो वही यहाँ पे लगाओ. देखो इधर जाएंगे तो ए की डायरेक्शन में तो ये बनेगा प्लस ए, इधर जाएंगे बी की डायरेक्शन में तो बनेगा प्लस बी, लेकिन इधर जाएंगे तो ध्यान से देखो सी के अपोजिट है तो इसको लिखेंगे माइनस सी, इधर जाएंगे तो डी के अपोजिट है तो इसको लिखेंगे माइनस डी, इधर जाएंगे तो सी के डायरेक्ट ई के डायरेक्शन में है तो प्लस ई, और इधर जाएंगे तो एफ के अपोजिट है यानी कि माइनस एफ, और ये सब मिला के जीरो होना चाहिए. तो इसको देखो ध्यान से ऐसे लिख सकते हैं कि प्लस ए, प्लस बी, माइनस सी, माइनस डी, प्लस ई और माइनस एफ, ये मिला के टोटल जीरो होना चाहिए. यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस ई इज इक्वल टू सी प्लस डी प्लस एफ. बताइए ये बात क्लियर है कैसे लिखा है?
यूज आएगा इन छोटे छोटे पॉइंट्स का आगे। ये मैंने रिलेशन कैसे लिखा है, इसमें किसी को डाउट है? क्लियर है सभी को? ठीक है, एग्जांपल्स करेंगे इसमें हम लोग, आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, जैसे हम लोगों ने रिजल्टेंट देखा है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, वैसे ही हम एक और देख लेते हैं, एंड दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, अब इसमें एक बात ये समझना ध्यान से, वेक्टर्स में हम लोग बोलते जरूर हैं कि एडिशन है सब्ट्रैक्शन है, लेकिन ये समझना ध्यान से कि वेक्टर्स में हम लोग हमेशा रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, वी ऑलवेज फाइंड रिजल्टेंट। ठीक है, तो जैसे आर वेक्टर को लिखते हैं हम लोग, आर वेक्टर को लिखते हैं ए प्लस बी, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं दिस इज एडिशन। तो उसी तरह से एस वेक्टर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ए माइनस बी, और ये ए माइनस बी बन जाएगा सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में दो ऑप्शन है, ए माइनस बी लिखो या बी माइनस ए लिखो। तो अभी समझने के लिए कोई एक ले लेते हैं, सपोज ए माइनस बी, बताइए। तो देखो एडिशन में ये जो लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग आगे ब्रैकेट में लिखेंगे, पहली वाली जो लाइन है वो है रिजल्टेंट ऑफ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर, और ये जो दूसरी वाली लाइन है ये भी रिजल्टेंट ही है, लेकिन ये कहलाएगा रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो बताओ कि माइनस ऑफ बी वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा? क्यों भाई? बी के ऑपोजिट वेक्टर, ऑपोजिट डायरेक्शन। ऐसे समझो कि बी वेक्टर का हम सिर्फ डायरेक्शन पलट दें विदाउट चेंजिंग दी मैग्नीट्यूड, तो क्या हमको माइनस बी वेक्टर मिलेगा? बोलिए। यस सर। करेक्ट ना? तो ध्यान से समझना, वेक्टर्स में हम हमेशा रिजल्टेंट निकालते हैं। अब वो रिजल्टेंट हम ए और बी का निकाल रहे हैं तो उसको ए प्लस बी बोल देते हैं, और रिजल्टेंट अगर हम ए और माइनस बी का निकाल रहे हैं तो उसको हम ए माइनस बी बोल देते हैं। बोल चाल की लैंग्वेज में वो एडिशन है सब्ट्रैक्शन है, बट कॉन्सेप्चुअली दोनों ही रिजल्टेंट है, बताइए। ठीक है, तो देखो सपोज हमारे पास इधर की तरफ है ये ए वेक्टर, देखना ध्यान से, और इधर की तरफ हमने ले लिया सपोज ये है बी वेक्टर, याद है ना? तो हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट निकालने के लिए एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, और इस पैरेललोग्राम में ये वाला जो डायगोनल होता है, इस डायगोनल को हम लोग बोलते हैं आर वेक्टर। इतना तो हमको पता ही है, इस आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन अब समझो हमको निकालना है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि दिस इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे कि बी वेक्टर तो बना ही हुआ है, यहीं पे हम लोग बनाएंगे एक माइनस बी वेक्टर। समझना ध्यान से, अब बी इधर की तरफ है तो माइनस बी इधर होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और फिर से पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। ध्यान से चेक करना, फिर से पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ये देखो। और इस बार हमने जो नीचे पैरेललोग्राम कंप्लीट किया है वो लिया है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का,
तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, इनमें जो ये डायगोनल आएगा, ये वाला डायगोनल, तो ये कहलाएगा एस वेक्टर। एक्चुअली ये ए वेक्टर है और प्लस है माइनस बी वेक्टर, लेकिन ये है कि मैथमेटिकली इट इज कॉल्ड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अब देखो आर और एस में क्या रिलेशन है। अब अगर ये वाला एंगल पूरा का पूरा थीटा है, तो बताओगे कि ये वाला एंगल कितना होगा। ये वाला एंगल बनेगा 180 माइनस थीटा। कहने का मतलब है ए और बी के बीच में एंगल थीटा है अगर, तो ए और माइनस बी के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा होगा। तो ये जो एस है इसको हम उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, तो cos थीटा की जगह 180 माइनस थीटा आएगा। तो यहां से तुम्हें s की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। चाहो तो इसको तुम एडिशनली याद रखो, और अगर नहीं याद रखते हो तो भी कोई बात नहीं, तुम बस ये समझ लेना कि एडिशन ही सब्ट्रैक्शन है, हमें a वेक्टर से माइनस b वेक्टर करना होता है, ठीक है ना। और ये भी याद रख सकते हो, जैसे ये जो वेक्टर मैंने बनाया हुआ है, सेम पैरेललोग्राम में भी इसको दिखा सकते हैं, सेम पैरेललोग्राम में भी इसको हम दिखा सकते हैं। पैरेललोग्राम में एक डायगोनल a प्लस बी है और जो दूसरा डायगोनल है वो a माइनस बी है, और वैल्यू निकालने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन हमको काम आएगा रिलेटिव वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वो सब निकालने में, चेंज इन मोमेंटम। बेसिक जो बात है वो समझना, कुछ याद नहीं करना है तुम्हें। देखो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, जहां तुमने याद किया वहीं परेशानी होने लगेगी। हर चीज लॉजिकल है, सब जुड़ी हुई है, तो कुछ भी क्यों कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। हर क्यों का जवाब है सिर्फ तीन चीजें छोड़ के, एक लॉ हो गए, डेफिनेशन हो गई, और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। इन तीन चीजों को छोड़ के सबका क्यों का जवाब मिलेगा। ठीक है, जैसे देखो इसमें एग्जांपल, कार इज ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, इट टेक्स अ शार्प लेफ्ट टर्न एंड नाउ it moves at 40 meter per second. Find direction and magnitude of change in velocity of car. निकालोगे इसको, ट्राई करोगे इसको। देखो करो ट्राई। देखो सब्ट्रैक्शन में एक बात का बहुत ख्याल रखना होता है, और वो है डायरेक्शन, ठीक है। और वही डायरेक्शन की का ख्याल तुम्हें इस क्वेश्चन में रखना है, ऐसे समझो। अब इसमें देखो ध्यान से क्या दिया है, 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और बाद में वो मूव कर रहा है 40 से, और शार्प लेफ्ट टर्न लिया है उसने। ये दो तीन बातें हैं। तो देखो एक काम करते हैं, पहले हम बनाते हैं इसका, ये हो गया वी इनिशियल, समझना ध्यान से। और v इनिशियल मैंने ड्रॉ किया हुआ है ड्यू ईस्ट। अब ये तो कि ईस्ट पे जा रहे हैं और लेफ्ट ले लिया है, तो फाइनल वेलोसिटी किधर होगी। क्यों भाई,
ईस्ट में जा रहे हैं और लेफ्ट ले लिया है, तो फाइनल वेलोसिटी इसका मतलब नॉर्थ की तरफ हो गई है, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से समझना हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। तो ध्यान से समझना, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग लिखेंगे डेल्टा वी वेक्टर, और चेंज का मतलब होता है कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फिजिक्स में कहीं भी चेंज आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, इट इज नेवर इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल होगा हमेशा। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग डेल्टा वी लिखें तो डेल्टा वी का मतलब है वी फाइनल में हमको सब्ट्रैक्ट करना है वी इनिशियल। अब हमें मालूम है कि सब्ट्रैक्ट करने का कोई मेथड नहीं है, मेथड है ऐड करने का। तो इसका मतलब हमें करना ये है कि वी फाइनल में ऐड करना है माइनस वी इनिशियल, समझना ध्यान से। तो अब देखो ऐड करते हैं, कैसे ऐड करेंगे, तो पहले हम वी फाइनल बना लेते हैं, तो ये हो गया वी फाइनल, देखना ध्यान से, ठीक है। वी फाइनल का मैग्नीट्यूड है 40, और हमें पैरेललोग्राम लॉ अगर लगा रहे हैं तो टेल टू टेल ऐड करेंगे, तो ये बताओ वी इनिशियल अगर राइट साइड में है तो माइनस वी इनिशियल किधर होगा, क्यों भाई? वी इनिशियल अगर राइट साइड में है तो माइनस वी इनिशियल किधर होगा, तो माइनस वी इनिशियल जो है वो लेफ्ट में आएगा। मैग्नीट्यूड इसका भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो देखो ध्यान से ये बना, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, ये पैरेललोग्राम बनेगा, एक्चुअली ट्रायंगल रेक्टेंगल हो जाएगा 90 डिग्री की वजह से, तो ये डायरेक्शन आएगा इसमें, और ये डायरेक्शन ही है जिसमें अक्सर गड़बड़ होती है। तो ये आएगा, इसको लिखेंगे हम लोग डेल्टा वी वेक्टर, और क्योंकि ये 4 है ये 30 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 53 डिग्री, और ये वैल्यू हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर हम लोग आंसर लिखेंगे तो आंसर ये होना चाहिए था कि 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। याद है नॉर्थ ऑफ वेस्ट कैसे लिखते हैं, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये आंसर बनेगा। 53 और 37 कैसे आए हैं, इसके लिए मैंने पहले ही बताया है, फिर से बता रहा हूं कि तुम एक ट्रायंगल याद रखो, ट्रायंगल ऐसा याद रखो कि जिसकी जो साइड्स हैं वो 3, 4 और 5 की रेशियो में होती हैं, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी साइड्स 3, 4, 5 है। तो खास बात ये होती है कि 5 और 3 के बीच वाला जो एंगल है ये 53 होता है, और ये वाला एंगल जो है ये 37 होता है। तो यहाँ से तुम देखोगे कि जो tan 53 की वैल्यू है वो 4/3 बनेगी, याद रहेगा ना, ये ट्रायंगल याद रहेगा ना। यस सर। देखो ध्यान से सब्ट्रैक्शन कैसे निकाला है, बताओ कहाँ डाउट है, बोलिए कोई डाउट इसमें? नो सर। सर अगर सर क्वेश्चन ये पूछता कि चेंज ना पूछ के सर फाइनल रिजल्टेंट पूछता तो सर क्या डायरेक्शन डिफरेंट होती? नहीं नहीं बात नहीं समझे, देखो वेलोसिटी का रिजल्टेंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जैसे फोर्सेस लग रहे होंगे ना बॉडी के ऊपर तब वो कहेगा रिजल्टेंट, वेलोसिटी में रिजल्टेंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वेलोसिटी में पूछ सकता है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी,
देयर इज नथिंग कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना? बट अगर वैसी कोई सिचुएशन होगी तो रिजल्टेंट का मतलब होता है एडिशन, नॉट इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. और देखो एक दो क्वेश्चन करते हैं. टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड्स इन द रेशियो 3:5 give a resultant of 35 Newton when inclined at an angle 60 degree. तो मैं निकालना है, calculate magnitude of each force. Calculate magnitude of each force. निकालो इसको, देखो. इसमें कर लिया होगा सभी ने. देखो forces का ratio 3:5 दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि suppose एक force को ले लिया हम लोगों ने 3x और दूसरे force को ले लिया 5x और इन दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और रिजल्टेंट 35 है. तो हमारे पास फॉर्मूला है F resultant square is equal to F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. तो इसमें वैल्यूज रख दो, तो यहाँ से सॉल्व करने पे x की वैल्यू 5 आ रही होगी, ठीक है ना? तो यहाँ से F1 की वैल्यू हो गई 15 न्यूटन और F2 की वैल्यू हो गई 25 न्यूटन. बोलो. कर लिया ना सभी ने? Yes, sir. एक इसमें और पॉइंट है, नोट करके लिखते हैं. में लिखना कि थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट विल गिव जीरो रिजल्टेंट. मान लेते हैं कि किसी पार्टिकल पे, किसी पॉइंट पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं F1, F2 और F3 और हम चाहते हैं कि उन तीनों का रिजल्टेंट जीरो आए, ठीक है? अच्छा पहले ये बताओ कि अगर दो फोर्सेस हैं और रिजल्टेंट जीरो हो तो क्या कंडीशन होगी? एक पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं और उनका रिजल्टेंट जीरो है, तो व्हाट इज कंडीशन बिटवीन दीज टू फोर्सेस? F1 एंड F2 इक्वल होने चाहिए. बोलो. F1 एंड F2 इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए, ठीक है ना? मतलब 2 न्यूटन 2 न्यूटन है तो ऑपोजिट होने चाहिए. सिमिलरली हम लोग चाहते हैं कि अगर तीन फोर्सेज हैं और तीन फोर्सेज मिलके जीरो रिजल्टेंट दे रहे हैं, तो देखो हम लोग इक्वेशन ये बनाएंगे कि F1 प्लस F2 प्लस F3 ये मिलके जीरो है, यही तो लिखेंगे. तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि F1
plus f2 should be equal to minus of f3. अब अगर ये वेक्टर सेम है तो इनके मैग्नीट्यूड भी सेम होने चाहिए, यानी हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ f1 plus f2 should be equal to mod of f3. ठीक है, तो यहां नीचे लिखेंगे कि इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ओनली इफ, ओनली इफ, ध्यान से लिखना कि f3 जो है वो f1 minus f2 mod से लेके f1 plus f2 के बीच में अगर होगा तो ही ये पॉसिबल है, तो ये कंडीशन निकल के आई है, नोट कर लो, अभी देखते हैं क्या मतलब हुआ इस कंडीशन का। नोट कर लो पहले इसमें, ये है, जैसे क्वेश्चन में ये है कि अगर तीन फोर्सेस हैं और वो किसी पार्टिकल पे लग के जीरो रिजल्टेंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि ये कंडीशन होनी चाहिए और इसका मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए, और यहाँ से हमने ये कंडीशन लिखी है, तो पहले तो ये बताओ कि ये जो फाइनल कंडीशन लिखी है ये क्लियर है कैसे लिखी है। देखो ये जो दो वैक्टर हैं कौन कौन से, एफ वन और एफ टू, इन वैक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट हो सकता है एफ वन प्लस एफ टू, और इनका मिनिमम रिजल्टेंट क्या हो सकता है, तो मिनिमम रिजल्टेंट इनका हो सकता है एफ वन माइनस एफ टू। कहने का मतलब है एफ वन एफ टू जो दो फोर्सेज हैं, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम जब दोनों सेम डायरेक्शन में लगेंगे, और मिनिमम क्या होगा, मिनिमम जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में ही लाई करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि तीनों मिलके जीरो दें, तो इसका मतलब है कि ये जो एफ थ्री है इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में ही पड़नी चाहिए। अगर इनके बीच में हुआ तब तो F1, F2, F3 आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, अदरवाइज कैंसिल आउट नहीं होंगे। कैंसिल आउट कैसे, कैंसिल आउट होने का मतलब ये है कि जैसे इधर F1 लग रहा है, इधर F2 लग रहा है, और इधर F3 लग जाए, तो ये इस पार्टिकल के ऊपर फोर्सेज जीरो हो सकते हैं। जीरो मैंने ऐसे लिखा है कि F1, F2 का जो रिजल्टेंट है, F1, F2 का रिजल्टेंट और F3 अगर अपोजिट हो गए तो ये तीनों मिलके हमको जीरो रिजल्टेंट दे सकते हैं। बात समझ में आई, तो उसकी कंडीशन ये है, क्लियर है कंडीशन कैसे लिखी है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, तो क्वेश्चन ये इस तरह का फ्रेम होता है जो मैंने दिया है। क्वेश्चन क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्सेस कैन गिव जीरो रिजल्टेंट, मतलब इनमें से कौन से जीरो रिजल्टेंट दे सकते हैं और कौन से नहीं दे सकते हैं। तो देखो चेक करने का तरीका बहुत आसान है, क्या करो कि जैसे तीन है तो तीन में से कोई भी दो पकड़ लो, कोई भी दो, जैसे मैंने वन और टू ले लिया, तो जरा बताओगे कि वन और टू का मैक्सिमम क्या होगा और वन और टू का मिनिमम क्या होगा। क्यों भाई, वन और टू न्यूटन का मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होगा और वन और टू न्यूटन का मिनिमम रिजल्टेंट क्या होगा। मिनिमम वन होगा, मैक्सिमम थ्री होगा। करेक्ट, मैक्सिमम थ्री होगा और मिनिमम वन होगा। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये फोर न्यूटन मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि फोर कभी भी वन और टू के कॉम्बिनेशन को कैंसिल नहीं कर पाएगा, और कैंसिल नहीं कर पाएगा तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी बताओ इनमें से कौन सा बनेगा, बी सी डी में से। सेकंड वाला है, थर्ड वाला, सर सी वाला, सी बनेगा। करेक्ट,
C. What about B and D? B and D नहीं बनेंगे ना? No sir. Clear है? अब clear है ये जो मैंने लिखा है पूरा, ये पूरी कहानी क्या मतलब है इसका? ठीक है ना, तो only C हो गया answer. ठीक है, तो हम लोगों ने आज जो है वो रिजल्टेंट और सब्ट्रैक्शन देखा है. तो मैंने क्वेश्चंस तो कुछ ही किए हैं, एक दो क्वेश्चन किए हैं इसके ऊपर. कुछ क्वेश्चंस मैं अभी होमवर्क में दे देता हूं, तो आप उनको एक बार ट्राई करना. ठीक है ना, बाकी फिर कल स्टार्ट करेंगे. ठीक है. यस सर. ओके सर, बाय. ओके.